टू को लेकर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात कही जा रही थी और जो वादा खिलाफी हुआ, इन सब मामलों को लेकर कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और निश्चित रूप से कल सभी लोगों को, जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, TRE-1 में 14,700 पदों को लेकर जो शिक्षा विभाग सूची भेजी गई थी, सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी हो, इसके लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक अभ्यर्थी है। और जितने भी साथी बिहार के विभिन्न जिलों से सुन रहे हैं मेरी बातों को, कल इस आंदोलन में भाग लेंगे और सरकार के समक्ष अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें अपने सहभागिता दायर करेंगे। साथियों, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वह है कि TRE-2 में जो पूरक परिणाम जारी नहीं हुए और TRE-1 को लेकर जो चीज़ें छलावा की गई BPSC की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से, उस सब के लिए क्या सरकार की तरफ से जो लोग विपक्ष में थे, यानी कहने का मतलब कि NDA के नेता, खासकर बिहार के BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो आज DPCM है, और विजय सिन्हा जी जो विधान परिषद में विरोधी दल के नेता थे, वो दोनों आज DPCM हैं, तो इन दोनों के पास वो जिम्मेवारी है कि आपने कहा था कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरक परिणाम पर शिक्षक अभ्यर्थियों का हक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। और पूरक परिणाम इसलिए जारी होने चाहिए क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो जिस तरह की चीज़ें, जो बरगलाने का प्रयास हुआ, जिस तरह की धोखा में रखा गया इन लोगों को बस छलावा के नाम पर, बस खानापूर्ति, खासकर TRE-1 में जो सीटें भेजे गए थे लगभग 4700 पदों के, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया, तो ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, उस सवाल के घेरे में मात्र एक बिंदु है कि क्या पूरक परिणाम जारी नहीं होंगे। अगर पूरक परिणाम जारी नहीं हुए उसके लिए किन किन चीज़ों पर क्या क्या विश्वास करने की ज़रूरत है, तो TRE-2 को लेकर खासकर जो पद खाली हैं और 14,700 पदों की सूची जो 3 जनवरी को भेजी गई थी, उन सब सूची पर शिक्षा विभाग ने रोक लगाई थी, परंतु पुनः शिक्षा विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी कि 31 जनवरी के पहले आप सभी लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर दें। तो अब जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों पर आप बिल्कुल कवायद बिल्कुल हो चुकी है कि रिजल्ट जो है एनी हाउ 31 तारीख के पहले निकालना है। तो साथियों, अब जो चीज़ें हैं कि क्या सरकार के तरफ से जो DPCM है दोनों, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इन सब चीज़ों पर शिक्षा विभाग की तरफ से TRE-3 की भी नोटिस आ रही है कि मार्च में संभावित परीक्षाएं लेने की योजना है आने लोकसभा चुनाव के पहले, परंतु प्रमुख बिंदु यही है कि कर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं TRE-2 को लेकर, यानी 14,700 पदों की सूची भेजकर 3 जनवरी को, और फिर लगभग इतने एक महीने बीत जा रहे हैं और अभी तक जो है सीटों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, रिजल्ट निकाला नहीं जा रहा है, तो BPSC और शिक्षा विभाग ने लगभग घाल मिल कर दिया है। तो सारे मामले बिल्कुल स्पष्ट हैं कि BPSC और शिक्षा विभाग ने जिस तरह से वादा खिलाफी किया, और सारे बिंदुओं पर मुझे लगता है कि मल्टीपल रिजल्ट उनको लेकर फर्जीवाड़ा का तो बेनतहा पार कर गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी सूची शिक्षा विभाग को आई हो ये बताने के लिए कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। प्रत्येक जिलों से सूची आई है कि फर्जीवाड़ा जो हुआ सेकेंड फेज में, वो ओवर डोमिसाइल को लेकर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर, और कई फर्जी प्रमाण पत्र जो है सहाराथी जो है वो पकड़े जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो व्यक्ति विरोध में थे, जो व्यक्ति विपक्ष में थे, वो व्यक्ति यानी उनकी जो NDA की सरकार अब पुनः बिहार में बन गई है, तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी बिहार के DPCM और जितने भी मंत्रिमंडल के साथी हैं जो विरोध में थे और आज सरकार में है, उन लोगों को अपनी बातों से पलटने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा और एनी हाउ हम लोग लेकर रहेंगे। इसलिए सभी साथियों से पुनः आग्रह करते हैं कि कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप इस आंदोलन में भाग लें। धन्यवाद। जय हिंद।